to our channel Tips and Home Remedies, and this is Preeti back again with the amazing tips. Friends, I'm back again with a new recipe, और आज मैं आपके लिए लाई हूँ flex seed gel की homemade recipe, जिसे बनाना बहुत ही easy है. वैसे तो आपने मेरे पहले वाले वीडियो में देख लिया होगा, flex seed का mask बनाया था मैंने. ये भी एक fairness mask है और ये बहुत effective है. उसी तरह से flex seed gel जो है वो बहुत effective है, लेकिन ये आपके skin and hair दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है. तो यानी कि ये 2-in-1 है. यस, एक्चुअली फ्लेक्स सीड जेल में विटामिन ए, बी, सी एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. तो इसकी जो एंटीऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो आपकी स्किन टोन को लाइटन करती है, आपके जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं उनको रिड्यूस करके स्किन को काफ़ी ग्लोइंग बनाता है. प्लस ये बालों के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है. एक्चुअली ये आपके हेयर स्कैल्प को नरिश करता है, पैम्पर करता है और आपके जो हेयर रूट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपके बालों के फ्रिज को रिमूव करके उन्हें शाइनी एंड सॉफ्ट बनाता है. तो इसलिए ये फ्लेक्स सीड जेल स्किन एंड बालों दोनों के लिए बहुत इफेक्टिव है. तो आइए देखते हैं ये फ्लेक्स सीड जेल घर पर कैसे बनाते हैं. ओके फ्रेंड्स, इस मैजिकल जेल को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बोल फ्लेक्स सीड यानी कि अलसी. मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है. अब इससे 4 गुना पानी हम लेंगे और इसको सिम पे ही हम चलाते रहेंगे. ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको फील होगा कि ये जेल में कन्वर्ट होने लगा है, लेकिन आपको इसको सिमर पर ही रखना है, तेज आंच पे नहीं, मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर ही आपको इसे हिलाते रहना है. ओके फ्रेंड्स, देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी हाफ हो चुकी है और अब ये देखिए एकदम जेल की तरह आपको ये नज़र आएगा. इसकी देखिए तार बन रही है, ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए ये तार बन रही है. यानी कि अब आपका जेल ऑलमोस्ट रेडी है. अब आप इसको बंद कर दीजिए, अब आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए एंड इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए. लेकिन एकदम ठंडा होने के बाद ये छाना नहीं जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा वार्म ही छान लेंगे हम. और इस तरह से ये हमारा जेल रेडी है. सो ओके फ्रेंड्स, ये जो फ्लेक्स सीड जेल है आप इसको 10-12 डेज तक घर पे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं. फ्रिज के अंदर ये खराब नहीं होगा. इस जेल को आप जैसे आप फेस पे मॉइस्चराइजर लगाते हैं उसी तरह फेस पर अप्लाई कर सकते हैं एंड जिस तरह से आप हेयर ऑयल को मसाज करके नेक्स्ट मॉर्निंग में वॉश कर लेते हैं उसी तरह से आपको इस जेल को स्कैल्प पे अच्छे से मसाज करना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वॉश कर लेना है. इसके रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएंगे. So share your views in the commenting box and thanks for watching.